तो दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन 35वें दिन जा पहुंचा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक राजीव चड्ढा ने कहा है कि सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के लिए मुफ्त वाईफाई सुविधा दी जाएगी। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में एक चौथी चीज भी जुड़ गई है रोटी, कपड़ा और मकान के साथ, और वो है इंटरनेट। हमने ये देखा कि देश का किसान, देश के कोने कोने से हमारे किसान भाई बहन दिल्ली की दहलीज पर आए और बीते एक महीने से ऊपर वो वहां आंदोलन कर रहे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुख्य आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी कई बार वहां गए, हमारे तमाम विधायक, हमारे तमाम मंत्री, हमारे पार्षद, सब लोग, सभी कार्यकर्ता वहां अपनी सेवा देने गए। और सेवादार अरविंद केजरीवाल ने पहले उनके लिए कंबल से लेकर लंगर तक की सेवा दी, शौचालय से लेकर पानी तक की सेवा दी, और अब एक महत्वपूर्ण सेवा सेवादार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सिंगू बॉर्डर पे शुरू करने जा रहे हैं, और वो है फ्री वाईफाई की सेवा। कि वो अब सिंगू बॉर्डर पे वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगवाएंगे, जैसे जैसे किसानों की मांग आएगी, जहां जहां से मांग आएगी वहां वहां ये हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे, ताकि हमारे आंदोलनकारी भाई बहन, हमारे किसान कम से कम एक बार तो दिन में अपनी बूढ़ी माँ का चेहरा देख सकें, अपने बच्चों को शाम के समय लोरी सुनाकर वीडियो कॉल के माध्यम से सुला सकें, अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।